पैनिक अटैक के बारे में काफी चर्चा होती है, पैनिक अटैक है क्या, इसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। पैनिक अटैक मतलब क्या है कि एक तीव्र स्वरूप का झटका, कोई सच्चा खतरा नहीं है, एक्चुअली कोई डेंजर नहीं है, कुछ होने वाला भी नहीं है, मगर वो व्यक्ति को ऐसा रहता है कि कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं होने के बावजूद भी उसको इतना खतरा लगता है, इतना डर लगता है, इतना तीव्र स्वरूप का डर लगता है, उसके मन में अशांति हो जाती है, घबराहट होता है, और वो अचानक एकदम ऐसा शुरू हो जाता है कि उसको मालूम भी नहीं रहता कि कब शुरू हो जाएगा, और वो 10 मिनट के अंदर ही अंदर इतना तीव्र स्वरूप में आ जाता है, इतना डर लगता है कि उसको लगता है कि अभी मैं मर जाऊँगा। उसमें कुछ लक्षण है, तो वो लक्षण ऐसे हैं कि एक तो सीने में धड़कन, फिर पसीना आना, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, शरीर कांपना, फिर सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, ऐसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, उसको लगता है कि अभी मेरा सांस पूरा नहीं हो रहा है, ऐसा उसको लगता है, फिर गले में घुटन सी हो जाती है, सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन, जी मचलाना या पेट में कोई गड़बड़ी लगना, पेट में दर्द हो जाना, चक्कर आना या सिर में हल्कापन लगना, उसको लगता है कि कुछ तो भी घूम रहा है सिर में, फिर परिस्थिति या अपनेपन का एहसास नहीं होना, ऐसा लगता है कि परिस्थिति में कुछ अलग जगह पे आया हूँ या मैं कुछ अलग तरह का इंसान हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगा या कुछ तो भी एकदम गड़बड़ हो जाएंगी और मेरा कंट्रोल है अपने ऊपर का मैं लूज कर दूंगा, या उसको लगता है मरने का डर कि बहुत ही डर कि अभी मैं मर जाऊँगा, उसको ऐसा लगता है। हाथ पैर में चीटियाँ आना या हाथ पैर सुन हो जाना, हाथ पैर में ठंडा लगना या हाथ पैर में गर्मी लगना, ऐसे 13 लक्षण हैं। ये 13 में से यदि 4 लक्षण हैं उसमें तो वो पैनिक अटैक है ऐसा माना जाता है। इसमें इतना तीव्र स्वरूप का बदन में तकलीफ हो जाती है और ऐसा लगता है कि वो खुद टूट जाएगा, मर जाएगा, ऐसा उसको लगने लगता है। तो ये पैनिक अटैक हो गया और ये अटैक कुछ मिनट से लेके 1-2 घंटे तक ऐसा रहता है और वहाँ से वो निकल जाने का प्रयास करता है। अब ये जो पैनिक अटैक है, ये पैनिक अटैक आने के बाद उसको 1 महीने तक समझो ऐसा बार बार लगता है कि कभी भी अटैक आ जाएगा और उसको वो डर लगता है कि पैनिक अटैक आएगा। तो नंबर एक, उसको 1 महीने तक बार बार डर लगना कि ऐसा फिर से अटैक आएगा। नंबर दो, अटैक का बुरा प्रभाव अपने ऊपर हो जाएगा, उसकी चिंता उसको लगना, नंबर दो। और नंबर तीन, अटैक की चिंता की वजह से स्कूल में, कॉलेज में या अपने काम के ऊपर नहीं जाना। तो ऐसे ये 3 लक्षण 1 महीने तक लगातार उसको दिखते हैं तो वो पैनिक डिसऑर्डर हो गई। अब इसके साथ साथ एगोराफोबिया भी हो सकता है, एगोराफोबिया। और एगोराफोबिया मतलब क्या है कि पैनिक अटैक उसको आ रहा है तो पैनिक डिसऑर्डर विथ एगोराफोबिया, मतलब पैनिक अटैक है वो, पैनिक अटैक पैनिक डिसऑर्डर का हिस्सा है और पैनिक डिसऑर्डर के साथ में उसको एगोराफोबिया भी हो रहा है। तो एगोराफोबिया मतलब क्या है, एगोराफोबिया मतलब है कि ऐसे जगह पे कोई व्यक्ति जाता है कि उसको लगता है कि अभी वहाँ से मेरी छुटका होंगी नहीं, मतलब मैं अटक जाऊँगा, वहाँ मैं भाग के नहीं जा सकता और वहाँ अटक जाऊँगा, मैं सेफ जगह पर नहीं जा सकता, और उसको तीव्र स्वरूप का डर लगने लगना, बहुत ज़्यादा डर लगने लगना, और उसको लगता है कि अभी मैं वहाँ मर जाऊँगा, और वो ऐसी जगह पे है कि उसको लगता है कि अभी मेरी मदद के लिए कोई आएगा नहीं और मुझे कुछ तो भी हो जाएगा, बहुत डर उसको लगने लगता है। और ये स्पेशली उसको लगता है कि मेरे को वहाँ रिहा करने के लिए कोई आएगा नहीं, मेरे मदद के लिए कोई आएगा नहीं, और फिर वो वहाँ जाना टालना लगता है। स्पेशली ये यात्रा कर रहा है बस में या ट्रेन में यात्रा कर रहा है तो, या फिर बहुत भीड़ की जगह पर है तो, कोई लाइन में कतार में खड़ा है तो, या घर के बाहर जब अकेला जाता है तो, ऐसा ओपन प्लेस में जब जाता है तो उसको एकदम बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो पैनिक अटैक के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। पैनिक अटैक तो कहीं भी आ सकता है, मगर ये जो एगोरोफोबिया है वो वहाँ आता है कि उसको लगता है कि वहाँ से अपन भाग के नहीं जा सकेंगे या वहाँ से हम सेफ जगह पे मैं नहीं जा सकूँगा, वहाँ अटक जाऊँगा, और फिर वहाँ से भी वो जाना टाल देता है, तो उसको एगोरोफोबिया होता है। तो एगोरोफोबिया ऐसा अकेला भी हो सकता है या फिर पैनिक डिसऑर्डर विद एगोरोफोबिया ऐसा भी हो सकता है। उसके लिए दवाइयाँ हैं, मेडिकल मतलब मेडिसिन हम देते हैं, उसको डिसेंसिटाइजेशन है,
फिर विजुअलाइजेशन विथ डिसेंसिटाइजेशन, आरईबीटी टेक्निक है, सम्मोहन उपचार है, सेल्फ हिप्नोसिस, मेडिटेशन, ऐसा उसको अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोसीजर जो उसको सिखाते हैं और वहाँ से उसको छुटकारा मिल सकता है। उसको हम जबान के नीचे रखने के लिए दवाई भी देते हैं कि जो गोली देने के बाद में जो पैनिक अटैक उसको आ जाता है तो वो अटैक उसका अबॉर्ट हो सकता है, वो खलास हो सकता है वहाँ। तो उसको वो अटैक आने के बाद में खुद को कैसे रिलैक्स करना वो सिखाते हैं कि एकदम रिलैक्स करना सीखना चाहिए। एक तो वो है, दवाई लेना है, या फिर अलग अलग उसको एक्सरसाइज बताते कि वो अटैक आ गया तो वो कौन सी एक्सरसाइज कब करे ताकि वो रिलैक्स हो जाएगा और वो अटैक निकल जाएगा। तो काफ़ी लोगों को ऐसे अटैक्स है, पैनिक अटैक आते रहते, बीमारी है, और उसका इलाज यदि हो गया तो अपना जीवन खुशी से, आनंद से, और वो ताकत से, शक्तिशाली रूप से जी सकते हैं। तो ये वीडियो आपके ग्रुप में फैलाओ ताकि लोग इसके मुक्ति पाकर, इससे मुक्ति पाकर अच्छा जीवन जी सकेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।